हेलो एवरीवन। तो मुझे अभी बाइक ली हुए पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ, बल्कि अभी आज तारीख हुई है 17 और 21 तारीख को पूरा मुझे बाइक ली हुए 1 महीना हो जाएगा, और अभी तक जो मेरी बाइक है वो 1000 किलोमीटर भी नहीं चली है। लेकिन जो मेरी बाइक में प्रॉब्लम है वो अभी से यानी स्टार्ट हो गई है। जब मैं अपनी बाइक की सर्विस कराने गया था तब भी मैंने ये बात वहाँ पे बोली थी कि मुझे यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। उन्होंने कहा भी नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको लेकर जा सकते हो। मैंने सर्विस के टाइम भी बोला था भी मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तो और अब मुझे वही जो छोटी सी बात थोड़ी बड़ी हो गई है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ भी मेरी बाइक में क्या प्रॉब्लम हुई है। और साथ ही अब हम पहले सबसे पहले जाने वाले हैं एजेंसी के अंदर, और वहीं जाकर देखते हैं भी जो बाइक के अंदर प्रॉब्लम है वो क्या आई है क्या नहीं। भाई प्रॉब्लम तो मुझे पता है भी बाइक के अंदर क्या है, लेकिन अब ये देखना है कि कंपनी वाले उस प्रॉब्लम को देख के क्या कहते हैं या क्या नहीं। क्योंकि जब मैं पहले सर्विस के टाइम गया था तब तो उन्होंने मुझे वैसे ही भेज दिया था, लेकिन अब वो छोटी सी प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो गई है, तो अब उसको जाकर देखते हैं कि कंपनी वाले क्या बोलेंगे। बाकी अगर बात की जाए प्रॉब्लम की तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी बाइक में क्या प्रॉब्लम हुई है। बड़े स्टार्ट पर लाइए, ये देखिए ये इसका जो टायर है ना, कितना जाम हो रखा है। ये देखो ऊपर जाकर नोट, इसमें ये देखिए एकदम ही जाम हो रखा है, जैसे मतलब कि एकदम ब्रेक एकदम टाइट हो रखी है। तो इसी की जब मैं पहले सर्विस कराने गया था तब भी मैंने उनको ये बात बोली थी कि मुझे ये थोड़ी सी टाइट लग रही है और आप इसे चेक कर लो। तब उन्होंने हल्का से इसके ऊपर ठोक ठोक कर, मतलब कि हल्की सी ब्रेक को ठोक कर उन्होंने इसको ठीक कर दिया। लेकिन भाई अब वही बात ही, वहाँ उस टाइम अगर वो उस टाइम उसको ठीक कर देते तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने थी बाइक में। अगर जब मैंने आज चलाई ना सुबह तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरी बहुत ज़्यादा दब रही है। जब मैंने अपने यहाँ पास के एक मिस्त्री को दिखाया तब उसने बताया कि जो मेरी ब्रेक है वो एकदम ही टाइट है, और अगर मैंने उसे कहा भी तो उसे ठीक कर दे, उसका भी बात वही सही थी भी अगर मैं इसे छेड़ दूंगा तो जो बाइक की वारंटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे यही सही लगा कि भाई तू इसको ना छेड़, मैं इसको कंपनी के अंदर लेके जाऊँगा। तो हम फटाफट पहले चलते हैं कंपनी के अंदर, वहीं जाके देखते हैं भी जो कंपनी वाले हैं वो क्या कहेंगे क्या नहीं। तो शोरूम के अंदर हम आ गए हैं और हमारे यहाँ पर जो एक डिलीवरी चलाने वाले कहते हैं भी टोकन वो हमारा बन चुका है। बाकी हमारी उन्होंने बाइक चेक करी है, हमारी बाइक जो चली हुई है वो सिर्फ अभी चली हुई है 997 किलोमीटर, बस 997 किलोमीटर चली है। 997 के अंदर इसके अंदर दो प्रॉब्लम आ गई हैं। वैसे प्रॉब्लम तो इसके अंदर अभी एक ही आई थी, लेकिन मैंने दूसरी प्रॉब्लम लिखवाई है जो कि मुझे थोड़ी बहुत ही लग रही थी, वो है जो उसका बाइक का गियर नोज है वहाँ पे हल्की फुल्की जो वो लैग करता है उसको भी मैंने चेक करने के लिए बोला है। बाकी इन्होंने कम से कम मुझे 2 या 3 घंटे का भी टाइम दिया है भी, 2 या 3 घंटे अभी लग जाएंगे बाइक को देखने में। तो इतना देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ और अपडेट बाकी अगर हमारे पास कोई आते हैं तो मैं आपको दूंगा। बाकी अभी यहाँ पे जो भैया लगे हुए हैं देवेंद्र भैया उनका नाम है, उनसे मैंने बात की है। वैसे तो मुझे पहले बोल रहे थे कम से कम 2 या 3 घंटे लगेंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा सर मेरी बाइक में छोटी सी प्रॉब्लम है उसे देख लो, तो वो कह रहे हैं भी जितनी जल्दी हो सके हम आपके बाइक को ओके करके आपको दे देंगे। बाकी आप फिर भी मान के चल सकते हो भी कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि भाई जो प्रॉब्लम है वो मुझे लग रहा है भी थोड़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। बाकी देखते हैं अभी क्या बनता है इसका क्या नहीं, क्योंकि जो इसकी डिस्क है वो डिस्क इसकी लग रही है, वो जो टायर है ना ये डिस्क इसकी लग रही है, इस कारण जो बाइक है वो काफ़ी हैवी चल रही है। बाकी देखते हैं अभी क्या बनने वाला है क्या नहीं। बाइक जो है वो हमारी आ चुकी है, इसके अंदर जब मैंने भैया से पूछा भी क्या प्रॉब्लम है तो उन्होंने कहा भी इसके अंदर कचरा कचरा फंस गया होगा, वो मैं मान के चल सकता हूँ कि जब मैंने सर्विस कराई उसके बाद मैं उसको चिक्कड़ में लेके बढ़ गया। लेकिन बाकी अब हम जो हमारा टायर है वो एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। बाइक थोड़ी पीछे से ज़्यादा डाउन है, लेकिन मैं मतलब भैया ने भी इसको दिखाया था मुझे चला के, ये मतलब कि तो प्रॉपर काम कर रहा है, जिसके व्हील है ना वो प्रॉपर स्पिन कर रहा है। बाकी अब देखते हैं भी क्या खर्चा आने वाला है क्या नहीं इसके ऊपर। खर्चा तो मेरे ख्याल से खर्चा मैं शायद ही दूँ, क्योंकि अभी मेरी बाइक 1000 किलोमीटर भी नहीं चली और वारंटी तो अभी महीना भी नहीं हुआ, तो बाकी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। तो जो हमारी बाइक के ऊपर खर्चा आया वो नॉर्मल आया है, मतलब नॉर्मल का एकदम जीरो आया है, क्योंकि अभी हमारी बाइक वारंटी के अंदर थी। बाकी उसके साथ ही हमें यहाँ पर जो एक गेट पास है वो मिल चुका है, हम ये इसके अंदर सारा लिखा हुआ है भाई, मतलब व्हीकल जो जो भी था इसके अंदर सारा वो सारा लिखा हुआ है। बाकी फटाफट इसको लेके चलते हैं घर पे और देखते हैं अभी क्या अब थोड़ी सी इसकी अंदर थोड़ी फ़र्क आया है या नहीं अभी। तो जी मैं आ चुका हूँ अब अपनी बाइक पर, और अगर मैं सच बताऊँ ना जो मेरी बाइक के अंदर अब डिफरेंस है वो आप मान के चल सकते हो अभी 10 और 100 के बीच का जो डिफरेंस होता है वो है। पहले मेरी बाइक काफ़ी ज़्यादा दब रही थी, मतलब कि अगर मैं गियर शिफ्टिंग कर रहा था ना तो बाइक मुझे ऐसा लग रहा था
ठीक है, बाइक बड़ी लोड ले रही है अब, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही स्मूथ चल रही है। जहाँ कितनी सच बताओ ना, अगर मैं इसीलिए मैं जो बजाज है उसकी तारीफ करता हूँ, पहले भी मेरे पास बजाज डिस्कवर थी और अब इसलिए मैंने बजाज पल्सर लिया, क्योंकि जो बजाज की हमारे यहाँ पर सर्विस है ना वो काफ़ी अच्छी है, बोल के काफ़ी ठीक हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं कंपेयर करूँ हीरो और टीवीएस की बजाय ना, तो जो मुझे बजाज की अभी तक, थोड़ा पहले मैं रोड पार कर लूँ, थोड़ा सा ये मुश्किल पैच है, इसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे। तो जो हमारे यहाँ पर बजाज की सर्विस है ना, वो ओवरऑल हीरो और जो दूसरी कंपनी टीवीएस इनकी बजाय काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हाँ, जो होंडा है उसकी भी सर्विस काफ़ी अच्छी है, वो मैं नहीं कहूँगा भी होंडा की सर्विस बेकार है, लेकिन भाई अगर मैं बात करूँ ना बाइक की, तो भाई बाइक सच में अब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो रही है। मैं लगे अब इसको चला के ऐसा फील लग रहा है भी ना, मुझे बाइक हवा में उड़ रही है। पहले ना दबा दबा सा फील आ रहा था कि बाइक दब रही है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, बाइक काफ़ी स्मूथली चल रही है। और जैसे कि भैया ने बताया मुझे भी, इसकी जो डिस्क है वहाँ पे कचरा फंस गया था, उसका मैं मान सकता हूँ, क्योंकि 10 तारीख को मैंने बाइक की सर्विस कराई थी और 11 तारीख को इसको मैं लेके कालका गया था, तो जो कालका वाला रोड था वो वहाँ काफ़ी ख़राब था, मतलब कि मुझे मान के चल, मतलब कि जो वो रोड था ना वो इतना ज़्यादा ख़राब था भी, मेरी बाइक आधे चला दो चिक्कड़ के बीच थी, तो वहाँ मान के चल सकता हूँ भी जो मेरी बाइक है वहाँ उसके डिस्क के अंदर हल्का फुल्का कचरा फंस गया होगा। लेकिन मैं उनसे एक ही बार पूछे भी है कि दोबारा ना ऐसा ना हो जाए, तो उनका एक ही बार कहने की भी अगर ऐसा दोबारा होता है तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पर दोबारा आ सकते हो। तो साथ ही जो मेरा अभी तक इसके ऊपर खर्चा है वो मेरा जीरो आया है, क्योंकि वहाँ पर जिस टाइम उन्होंने मेरे से साइन कराया एक कागज़ पर, तो वहाँ पर जो कॉस्ट लिखी हुई थी वो 50 रुपीज़ लिखी हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझसे एक भी पैसा नहीं लिया, क्योंकि मेरी बाइक अभी वारंटी के अंदर थी। अब कई लोग कहते हैं कि भाई वारंटी लेना अच्छा रहता है या नहीं, भाई वारंटी लेना ना यहाँ पर सही रहता है। अब मेरी बाइक की साथ वारंटी थी और जो मेरी एक्सटेंड वारंटी है मैंने वो भी ली हुई है, तो कहीं ना कहीं मुझे उसका आगे जाके बेनिफिट तो मिलने ही वाला है। अगर मैं नॉर्मल देखा जाऊँ, मैं अगर मेरा वारंटी ना होती और मैं अपने अगर बाइक को ऐसे ले जाता तो कम से कम मेरे 100 रुपये तो लगने ही लगने थे, लेकिन यहाँ पे मेरा एकदम फ्री में ही सब कुछ हो गया। तो भाई ये कहीं ना कहीं चीज़ तो अच्छी रहती है यार। बाकी बड़े चलते हैं घर और जाके आपको दिखाता हूँ भी जो उसका टायर है वो किस हिसाब से स्पिन कर रहा है, क्योंकि मैं दिखा मैं तभी पाऊँगा जब बाइक एकदम प्रॉपर खड़ी हो, क्योंकि जो सिंगल के अंदर अगर मैं कहूँ उसका टायर घुमा सकूँ तो सिंगल में इसका जो टायर है वो नहीं घूम रहा है मेरे से, क्योंकि आगे से इसका वेट ज़्यादा है और एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से टायर घुमाना एक्चुअली नॉट इम्पॉसिबल। तो फ्रेंड्स अब इसको दो तीन दिन देखते हैं हम चला के, और उसके बाद ही देखेंगे कि बाइक की जो ब्रेकिंग की कंडीशन है वो कैसी रही है कैसी नहीं। बाकी उसके साथ साथ मैंने गियर का भी थोड़ा सा काम कराया, गियर के अंदर भी थोड़ी सी स्मूथनेस मुझे लगी है, बाकी देखते हैं अभी दो तीन दिन बाद भी कैसा रहता है कैसा नहीं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।